हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ ये कृति सनन का मेकअप लुक, और ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। कोशिश की है कुछ इस तरह का करने की। मुझे लगता है आई मेकअप तो सेम टू सेम हो गया, बाकी फेशियल फीचर तो अलग होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आप मॉइस्चराइज तो हम ज़रूर करेंगे, फेस को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारी जो स्किन है ख़राब हो सकती है। और ये मेकअप लुक ना मैंने बहुत क्विक मेकअप लुक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बेस मेकअप तो वही सेम है और बारिश भी हो रही थी बाहर, तो मुझे लगा ये अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि क्लैरिटी जो है वो कम हो रही थी। तो बाद में लगा कि चलो मेहनत की थी तो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे फाउंडेशन जो है लैक्मे का फाउंडेशन मैंने लगाया है 925, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला फाउंडेशन। मुझे मेबेलिन फिटमी से भी फाउंडेशन अच्छा लगता है। तो एवरीडे मेकअप करें तो आप फाउंडेशन रोज़ ना लगाएं, आप सिर्फ सनस्क्रीन या फिर बीबी क्रीम लगा सकते हैं अगर आपकी स्पॉट है, और स्पॉट के लिए आप सीरम यूज़ करें तो बेटर होगा। और उसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ किया है NYB का कंसीलर, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा लगाएं, ज़्यादा लेयरिंग आपको आई के नीचे नहीं करना है, वरना वो केकी लगता है, क्योंकि आई की स्किन जो है वो अलग होती है, बहुत पतली होती है। बहुत अच्छे से आपको उसको लगाना होता है, मतलब ब्लेंड करना होता है और थोड़ी थोड़ी करके लगानी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक तरफ ब्लेंड कर लिया है, और आईलिड को भी हम अच्छी तरीके से करेंगे। तो मुझे पहले था कि सी ब्लू कलर उन्होंने आईज़ पे लगाया हुआ है, तो मुझे मेरे पास है या नहीं मैं सोच रही थी, फिर देखा तो एक पैलेट पे मुझे मिल गया जो कि है SFR का पैलेट। उसमें कलर बहुत सारे लाइट ब्लू, सी ब्लू, तो बहुत अफोर्डेबल में भी आपको वो मिल जाएगा। सो SFR का जो पैलेट था उसमें सी ग्रीन का लेकर मैंने वो लगाया था। तो ब्यूटी ब्लेंडर को आपको मॉइस्ट कर लेना है, मॉइस्ट करके उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंडिंग बहुत टाइम लेके करना है क्योंकि बेस मेकअप जो आपका फ्लॉलेस लगना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। बाद मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है जो कि है लैक्मे का कॉम्पैक्ट, सन प्रोटेक्शन है, बहुत ही अच्छा है, आप वो एवरीडे भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्राउज़ को मैंने फिल की है आई शेडो पैलेट से, ब्लैक आई शेडो से लेकर आपको एक लाइन खींच लेनी है, डार्क करना है आपको बिल्कुल जो ब्राउज़ के लास्ट पे, और उसको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपका आई मेकअप तो दो ही कलर दिख रहे हैं, लेकिन एक ट्रांजिशन कलर जो है वो लाइट ब्राउन शेड मैंने लिया है, उसको अच्छी तरीके से आप ब्लेंड कर लें। और उसके बाद एक छोटी सी स्पूली की मदद से मैंने लाइनर के तरह सी ब्लू को इस तरह से कर लिया है, देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से डार्क करके ना मैंने उसको कर दिया है, ताकि जो है कलर जो है वो पॉप आउट हो और इस तरह से दिखे। और इस तरह से पिंक कलर भी मैंने इसमें जो है आईलिड पे, तो आपके पास पिंक कलर तो हर पैलेट पे होता है, और उसको भी लाइनर की तरह आप लगा लीजिए। और यहाँ पे मुझे कोई आईलैशेस नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने काजल भी नहीं दिखा, सो मैंने इसलिए काजल और आईलैशेस जो है वो नहीं लगाए, ठीक है। देख सकते इस तरह से, और उन्होंने लेंस पहनी है ब्राउन कलर की, मैंने यहाँ पे मैंने मेबेलिन क्लॉसल का मस्कारा लगाया हुआ है, और लैशेस को पहले मैंने कर्ल कर लिया और उसके बाद मस्कारा लगाया है। तो मस्कारा को आप नीचे तरफ देख के ही लगाएं, वरना मैं ऊपर की तरफ बार बार देख लेती हूँ तो फिर वो ऊपर भी लग जाता है, तो कोई नहीं, उसको सूख जाए तो फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने बिल्कुल मिलता जुलता रेवलॉन की लिपस्टिक जो है मुझे मिल गई थी, सो मैंने उसको लगा लिया है, और यहाँ पे मेरा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट होता है। और आज की मेकअप लुक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, ऐसा करके तो कोई नहीं जाएगा लेकिन देखने में फ़न होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।